नमस्कार, मैं रेशम अंबादास, वीएसआरएस न्यूज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 कर्मचारियों में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि के बाद अपने सभी कर्मचारियों को यथासंभव घर से ही काम करने की सलाह दी है। नासा के प्रमुख जिम ब्रिटेनस्टाइन ने सभी कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वो घर से काम करें ताकि कोरोना वायरस फैलने से रोका जा सके। नासा ही नहीं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट समेत कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं। पिछले सप्ताह नासा के कैलिफोर्निया स्थित आमेस रिसर्च सेंटर के एक कर्मचारी को कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद नासा ने सेंटर के सभी कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश दिए थे। इसके बाद एजेंसी के अलाबामा स्थित मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में भी एक कर्मचारी को इस वायरस से पीड़ित पाया गया है। पुष्टि के साथ ही दोनों केंद्रों पर तीसरे स्तर का फ्रेमवर्क लागू कर दिया गया है, जिसमें दूर रहकर घर से या किसी अन्य स्थान से काम करना अनिवार्य होता है तथा केंद्रों में प्रवेश बेहद सीमित कर दिया जाता है। इसके अलावा 14 मार्च से नासा के सभी अन्य केंद्रों पर दूसरे स्तर का फ्रेमवर्क लागू कर दिया गया है। इसमें कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा घर या किसी अन्य स्थान पर रहकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नासा के प्रशासक जिम ब्राइडेनस्टाइन ने बताया कि कर्मचारियों को उनके लैपटॉप, पावर कोर्ड, नासा बैज तथा घर से काम करने के लिए जरूरी अन्य उपकरण साथ ले जाने की अनुमति दी गई है। नासा ने अपने बयान में कहा है कि कर्मचारियों को उनके सुपरवाइजरों के साथ दूर संचार और अन्य माध्यमों से नियमित संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही मिशन के लिए जरूरी यात्राओं को छोड़कर अन्य यात्राओं को भी सीमित करने का फैसला किया गया है। यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वे सेंटर नहीं आ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसआरएस न्यूज।